तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई UPSC वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं UPSC वीडियो री एग्जाम को लेकर। इसका पेपर कब तक हो सकता है? बहुत सारे साथियों के मन में ये भ्रम फैला हुआ है कि पेपर अब जो यानी कि अभी नहीं होगा, अभी लगभग ये मई और जून में पेपर जाकर होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी बातों में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, लगभग कब तक पेपर हो सकता है जैसा कि मुझे पता चला है। तो वीडियो को पूरा देखना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। UPSC से कोई भी अपडेट होती है अपने चैनल पर हम सबसे पहले देते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ यानी कि UPSC यानी कि जो BDO की भर्ती है, ठीक है, यानी कि UPSC जो BDO की भर्ती है, सबसे पहले आपको बता दूं होने वाली है। यानी कि काफ़ी समय से ये पुरानी भर्ती हो चुकी है, लगभग 2018 में ये भर्ती आई थी। ठीक है, यानी कि 2018 में भर्ती आई थी, उसका पेपर भी हुआ था 2018 में। ठीक है, 22 और 23 दिसंबर को, अभी लगभग दिसंबर का ही महीना चल रहा है, तो काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, मगर साथियों आपको बता दूँ यानी कि इसके बाद यानी कि आपने देखा होगा पैट का पेपर हुआ UPSC में, सप्लाई इंस्पेक्टर का और सारे पेपर हुए, मगर अभी तक मतलब इसका पेपर नहीं हो पाया है। ठीक है, BDO का पेपर अभी तक नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ये मैंने देखा यूट्यूब पर क्या कह रहे हैं, जैसे कि मुख्य सेविका हो गई, बंदरगाह की भर्ती हो गई और शायद एक दो और भर्ती है। ठीक है, इनका पहले पेपर होने वाला है। ठीक है, इनका पहले पेपर होने वाला है। तो साथियों आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने पता किया है, तो सबसे पहले अगर पेपर होगा तो BDO री एग्जाम ही होगा। ठीक है, इसका ही पेपर होने वाला है। ठीक है, और आपको बता दूं ये कब तक होने वाला है। ठीक है, जैसे कह रहे होंगे कि अभी पेपर नहीं होगा, ठीक है, ना मार्च में होने वाला है, ना अप्रैल में होने वाला है, नहीं मई में या जून में। ठीक है, तो कुछ भी कहने उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। जैसा कि मुझे सोर्सों के द्वारा पता चला है कि आपको बता दूं, जो आपका BDO का पेपर है, ठीक है, आप पूरी तरीका से कमर कस लीजिए, अपनी पढ़ाई वगैरह जारी रखिए। आपको बता दूं लगभग आपका पेपर है, ठीक है, मार्च के लास्ट तक होने की पूरी आशंका है। ठीक है, पूरा अनुमान है कि आपका पेपर मार्च के लास्ट तक हो जाएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको बता दूं 100% UPSC कोई पेपर कराएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आपका UPSC BDO का पेपर कराने वाला है। ठीक है, UPSC BDO का पेपर कराने वाला है, क्योंकि ये भर्ती काफी समय से फंसी हुई है। और आपको बता दूं, ये समझ रहे हो कि जैसे बंदरगाह में 701 पद है तो उसका पहले पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि 1953 तो BDO में भी है, यानी कि इसमें भी ज्यादा पद नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें 10 लाख बच्चों ने फॉर्म यानी कि जो 14 लाख के करीब बच्चों के फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, मगर यानी कि तब उस समय लगभग 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 9,10,000 बच्चों ने पेपर दिया था। ठीक है, मगर अब इससे ज्यादा नहीं बैठने वाले, लगभग आपको बता दूं 4 से 5 लाख ही बच्चे इस पेपर में बैठेंगे, ये देख लेना। ठीक है, कंपटीशन का स्तर 100% कम रहेगा, जिस किसी भी की साथी की मतलब ये ड्रीम हो कि हमें UPSC BDO के अंदर अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो ये सबसे सुनहरा मौका है। ठीक है, यानी कि सुनहरा मौका है, तो इस वजह से यानी कि सुनहरा मौका है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखो। आपको बता दूं इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। आप भी समझदार हो कि UPSC BDO हो गया, एक लेखपाल की भर्ती हो गई। ठीक है, ये भर्ती बहुत कम मिलती है लोगों को, आपको बता दूं। ठीक है, ये भर्ती बहुत कम मिलती है, तो BDO को अभी चांस मिल रहा है। जैसे बहुत सारे साथियों के प्रश्न कहीं ना कहीं ये आते हैं कि सर मैंने उस समय पेपर नहीं दे पाया था, कब मुझे मौका मिलेगा कि नहीं बैठने का। तो आपको बता दूं, आपको 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, ये मत समझो कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 100% जो जारी करेगा। ठीक है, और आपको बता दूं कंपटीशन का स्तर बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि आपको बता दूं काफ़ी विद्यार्थी इसमें बैठने वाले नहीं, मैंने पहले ही बताया 4 से 5 लाख ही विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, 4 से 5 लाख, और आपको बता दूं हालांकि 4 से 5 लाख विद्यार्थी बैठेंगे तो बहुत सारे जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 1953 में उनकी सीट एक पक्की हो जाएगी। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ एग्जाम डेट को देखते हैं कि एग्जाम पेपर होगा कि नहीं होगा, अगर कोई बता रहा है तो वो इस पर भी कहते हैं कि अभी पेपर नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी विद्यार्थी किसी की बात पर मत आओ, कोई भी स्टूडेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अगर तुम्हें सीट चाहिए तो अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मार्च महीना मांगकर, ठीक है, यानी कि मार्च महीने मानकर आपको बता दूं, वैसे पहले 2 दिन में पेपर हुआ था, शायद अभी 2 दिन में हो या नहीं हो वो अलग बात है, मगर आपको बता दूं जैसे कि पेपर तो खैर 2 दिन में होने वाला है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे यानी कि ये सारे सोच रहे होंगे अभी पेपर नहीं होगा कि मार्च में नहीं होने वाला, तो आपको बता दूं 100% मार्च में होने वाला है, जैसा कि मुझे पता चला है। ठीक है, आप देख लेना जनवरी के अंदर, यानी कि जनवरी के अंदर देख लेना, आपको बता दूं UPSC का कोई ना कोई कैलेंडर उसमें जारी होगा, अपकमिंग वैकेंसी होंगी, जो पैट साइट पैट 2022 के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा पैट का। ठीक है, पैट 2022 का रिजल्ट आने के बाद ही यानी कि आपको बता दूं इसका कैलेंडर जारी हो सकता है, और आपको बता दूं उसमें जितनी भी एग्जाम डेट अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली है उसके बारे में 100% लिखा होगा, और आपको
बता दूं बीडीओ के पेपर में 100% उसकी एग्जाम डेट दी होगी, ठीक है। आपको बता दूं मार्च में होने वाला, तो मार्च महीना समझकर अपनी पढ़ाई करते रहो। बहुत सारे एस्पिरेंट के सवाल थे, कहीं ना कहीं वो पूछना चाहते थे, कहीं ना कहीं भ्रमित हैं लोग वगैरह, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर नहीं होने वाला है। तो आपको बता दूं मार्च महीने मानकर अपनी पढ़ाई करते रहो। और आपको बता दूं काफी पद हैं, 1953 पद कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छे पद हैं, और आपको बता दूं यानी कि इंटरव्यू वगैरह इसमें कोई रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस आपका रिटर्न होगा, रिटर्न में आपको हिंदी आनी हिंदी आएगी, ठीक है, और जीएस और रीजनिंग, ठीक है। मैथ वगैरह आने वाला नहीं है, मैथ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस इस पे 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो अच्छी तरीका से पकड़ बना लो, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, ठीक है। इससे क्या है आपका पता चलेगा आप कितने आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहो, ठीक है। वो तो बहुत सारे साथियों के जो सवाल थे उनका जवाब मिल ही चुका होगा। तो आपका पेपर लगभग आपको बता दूं लगभग मार्च के महीने के लास्ट तक होने वाला है पूरी तरीका से, ठीक है। और अगर कोई विद्यार्थी शक कर रहा है कि पेपर नहीं होने वाला, तो भाई अपनी आपकी इच्छा है, पढ़ाई करो या ना करो, जब पेपर आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है, मार्च के महीने में, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर में पढ़ाई वगैरह कर लेता तो सही रहता, ठीक है। आपको बता दूं ये सब चीज़ें कोई भी चीज़ बोली जाती है ऐसे नहीं बोली जाती है, आगे कुछ के पीछे कुछ यानी कि रिसर्च होती है, कुछ ना कुछ हम सोर्स होते हैं उससे बात करते हैं तभी कोई चीज़ बताते हैं, ठीक है। बस यही बताना था, और आपके सवाल के जवाब मिल ही चुके होंगे। बस आज की वीडियो में विराम देते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यूपीटी प्लस की कोई भी अपडेट होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही रखते हैं, धन्यवाद।